इस वक्त आपको हम खबर दें घोटकी से, जहां रेलवे स्टेशन पर कराची से पिंडी जाने वाली ट्रेन को हादसा पेश आया है। ग्रीन लाइन का इंजन ट्रैक से उतर गया है, अब ट्रैक पर आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। रोड़ी स्टेशन से टेक्निकल स्टाफ और रिलीफ तलब कर ली गई है। ग्रीन लाइन का इंजन दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए कार्रवाइयाँ तेजी से जारी है। रोहड़ी से रेस्क्यू ट्रेन रवाना कर दी गई है, ट्रैक जल्द बहाल हो जाएगा, ऐसा बताना है रेलवे हुकाम का। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। घोटकी रेलवे स्टेशन पर कराची से पिंडी जाने वाली ट्रेन को हादसा पेश आया है। ग्रीन लाइन का इंजन ट्रैक से उतर गया है, अब ट्रैक पर आमदोरफ्त भी मुअत्तल हो गई है। रोड़ी स्टेशन से टेक्निकल स्टाफ और रिलीफ टीम तलब कर ली गई है, जबकि ग्रीन लाइन का इंजन दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए कार्रवाइयाँ तेजी से जारी हैं। रेलवे हुकाम का कहना है कि रोहड़ी से रेस्क्यू ट्रेन रवाना कर दी गई है, ट्रैक जल्द बहाल हो जाएगा। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको। घोटकी रेलवे स्टेशन पर कराची से पिंडी जाने वाली ट्रेन को हादसा पेश आया है। ग्रीन लाइन का इंजन ट्रैक से उतर गया है और अब ट्रैक पर आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। रोड़ी स्टेशन से टेक्निकल स्टाफ और रिलीफ ट्रेन तलब कर ली गई है। ये मनाजिर आपने देखे घोटकी रेलवे स्टेशन के, जहां कराची से पिंडी जाने वाली ट्रेन को हादसा पेश आया है। ग्रीन लाइन का इंजन ट्रैक से उतर गया है और अब ट्रैक पर आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई है। रोहड़ी स्टेशन से टेक्निकल स्टाफ और रिलीफ ट्रेन तलब कर ली गई है। ग्रीन लाइन का इंजन दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं और रोहड़ी से रेस्क्यू ट्रेन रवाना कर दी गई है, ट्रैक जल्द बहाल हो जाएगा, ऐसा बताना है रेलवे हुकाम का। मज़ीद तफसीला जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे बरकत बलोच से। जी बरकत बलोच, बताइएगा ट्रैक कब तक के बहाल हो जाएगा? जी बिल्कुल, ट्रैक के बहाल के हवाले से रेलवे हुकाम का कहना है कि अभी कुछ वक्त दरकार है, जिसके बाद अब रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया जाएगा। ताहम इस वक्त ट्रेन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को रोहड़ी स्टेशन घोटकी स्टेशन लूप लाइन पर खड़ा कर दिया गया है। और इस हादसे के दौरान जिस तरह माजी में रेती स्टेशन के करीब हादसा हुआ था दो ट्रेनों का, सेम उसी सूरत हाल से फरीद एक्सप्रेस बच गई है। ताहम दोनों ट्रेनों को रोक दिया गया है, पटरी का काम जारी है और गर्मी की शिद्दत है, हद से मुसाफरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताहम इमदादी कार्रवाइयों की बात की जाए तो वो तेज कर दी गई हैं, ताकि दोनों ट्रेनों को जो ग्रीन लाइन एक्सप्रेस है जो कि कराची से रावलपिंडी जा रही थी, उसकी आमदरफ्त बहाल करके उसको मंजिल मकसूद तक रवाना किया जाए। ताहम इस वक्त जो है रेलवे हुकाम का कहना है कि ये कहना कबल वक्त है कि कितना वक्त दरकार होगा, लेकिन कुछ वक्त लगेगा जिसके बाद ये ट्रेनों को रवाना कर दिया जाएगा। दो इंच का जो फासला था, सिर्फ इंचों के लिहाज से फरीद एक्सप्रेस बच गई है इस हादसे से। ताहम इस वक्त कोशिश की जा रही है ताकि मजीद कोई ट्रेन का इंजन बोगी जो है वो ना गिर जाए या इस तरह की कोई सूरत हाल हो जिससे कोई माली या जानी नुकसान हो। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ताहम दोनों अतराफ से ट्रेनों की जो आमदरफ्त है वो इस वक्त मुअत्तल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बरकत बलोच। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मरतबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात रजाक में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है तो कोई ऐसा बजट नहीं जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।